अरे अजमेर चल रहे हैं, ख्वाजा साहब का उरस शुरू हो गया। क्या उरस शुरू हो गया? चलो भाई चलो। अरे भाई ख्वाजा साहब का उरस शुरू हो गया, चलेंगे अजमेर? ठीक है भाई, चलो 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 भाई चलो चलो भाई चलो चलो भाई चलो 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 सब तन मन धन अजमेर चल रहे हैं ख्वाजा साहब का उरस है। पागल हो गया, वहाँ जाऊंगा तो गुनहगार हो जाऊंगा। गुनहगार क्यों होगा, वहाँ तो सवाब मिलेगा। अगर तुम मेहमान बनकर किसी के घर जाओगे और वहाँ जाकर अपनी गंदी नजरों से लड़कियों को देखोगे और तुम आपस में लड़ोगे तो क्या उस घर के मालिक आपसे खुश रहेंगे? अगर किसी के घर जाकर ऐसा करोगे तो वो धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और उसकी नजरों से और गिर जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मैं आप लोगों के साथ अजमेर नहीं जाना चाह रहा हूँ। तुम जैसे लोग हिंद के बादशाह के दरबार पर जाकर लड़कियों को गंदी नजरों से देखते हो, अगर धक्का मुक्की हो जाए तो तुम लोग सबर करने के बजाय आपस में लड़ जाते हो और नमाज के वक्त घूमने फिरने में मसरूफ रहते हो और खुद को ख्वाजा जी का दीवाना कहते हो। असल में ख्वाजा साहब का दीवाना वो है जो ख्वाजा साहब के तरीके पर चले, ना कि शैतानों के तरीके पे। आज से हम असल ख्वाजा साहब के दीवाने बनकर दिखाएंगे।